शुभ की बम्पर बल्लेबाजी पर खिल उठा सारा का चेहरा, पर 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर झटका लगा बहुत गहरा। शुभमन के आउट होते ही सारा के चेहरे की उड़ गई हवाई। शतक से चूके फिर भी खड़े होकर सारा ने तालियां बजाई। विश्व कप का 37वां मैच खेला जा रहा था। इंडियन टीम का सलामी चीता यानी शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद था। गिल का बल्ला रन उगल रहा था। 29वें ओवर के खत्म होने तक यही सिलसिला बदस्तूर जारी था, लेकिन 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। मुस्कुराते चेहरे मायूसी से मुरझा गए। इन्हीं में से एक चेहरा सारा तेंदुलकर का भी था। उन्हें जैसे भरोसा ही नहीं हुआ कि शुभमन आउट हो गए। शतक के इतना करीब आने के बाद चूक जाने का अफसोस गिल के चेहरे पर भी था, लेकिन सारा ने माहौल को देखा, गमगीन चेहरे देखे तो अपनी सीट से खड़ी हो गई और हौसला अफजाई करने के लिए तालियां बजाने लगी। उधर आउट होने के बाद गिल जैसे जैसे पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तालियों की गूंज भी उसी तेजी से बढ़ रही थी। और हो भी क्यों ना, 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से गिल ने 92 गेंदों पर 92 रनों की पारी जो खेली थी। गिल भले ही शतक नहीं बना पाए, लेकिन अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी ने सारा समेत हर इंडियन का दिल जीत लिया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इन तस्वीरों में भी सबसे खास पिक्चर सारा तेंदुलकर की है, और वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही दोनों एक साथ स्पॉट हुए थे। हालांकि उस दौरान दोनों पैपराजी के कैमरे से बचते नजर आए थे। वैसे तो दोनों के बीच रिश्ते की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सुबह सारा ही जान सकते हैं। हालांकि मैदान पर लाखों की भीड़ के बीच शुभमन के आउट होने पर सारा का रिएक्शन काफी कुछ कहानी बयां कर रहा। वहीं मैच की बात करें तो शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी जमकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को धोया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोहली और अय्यर भी अपना शतक मारने से चूक गए। कोहली जहां 94 गेंदों पर 88 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं अय्यर भी 56 गेंदों में 82 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो कुल मिलाकर आज के मैच में 3-3 भारतीय बल्लेबाज शतक मारने से चूक गए। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 370 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट जरूर रख दिया है। इस टारगेट के आसपास पहुंचने में भी श्रीलंका नाकाम रही और महज 53 रन पर उसकी पूरी टीम बुक हो गई। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह रनों का पहाड़ खड़ा किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसने ये जरूर बता दिया कि सबसे आगे हिंदुस्तानी हैं और ये विश्व कप अब हिंदुस्तान की झोली में बस आने ही वाला है। गर्व की एक बात और है कि अभी तक भारत ने इस विश्व कप में एक भी मैच नहीं हारा और कप पर अपनी दमदार दावेदारी ठोकी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।